वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। अभी हाल ही में मोदी कैबिनेट ने एक फैसले को मंजूरी दी है जिसके तहत लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने का प्रस्ताव है। हालांकि नए कानून के तहत सारे अलग अलग धर्मों के मैरिज एक्ट को खत्म कर ये नया कानून बनेगा जिससे कि सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल हो जाएगी। लेकिन इसके विरोध भी अब शुरू हो गए हैं। देश के मुस्लिम तबके के सांसदों और उलेमाओं ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। देखिए, मेरा कहने का मकसद यह है कि 18 साल की उम्र में कोई अगर शादी करना चाहे तो उसको परमिशन होनी चाहिए। एट द एज ऑफ 18 एन इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू वोट एंड दे हैव अ राइट टू चूज हु शुड बी द प्राइम मिनिस्टर, हु शुड बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एन एमएलए। जो पहले का कानून था कि 18 साल की बेटी हो 21 साल का बेटा हो, मैं समझता हूँ कि बेहतर था। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने से हालात और भी बिगड़ेंगे। पहले जो 18 साल की उम्र थी वे भी काफी थी, लंबे समय से यही उम्र थी, वरना इससे अवारगी को और भी ज्यादा मौका मिलेगा। ये बयान बता रहे हैं कि चोट एकदम सही जगह पर लगी है। अभी कानून में बदलाव तो सिर्फ कैबिनेट ने मंजूरी दी तब ये हाल है। सोचिए, संसद से पास हो जाएगा तब क्या होगा। लेकिन सवाल ये है कि लड़की की शादी की उम्र अगर 21 साल हो रही है तो इनको तकलीफ क्यों हो रही है, क्योंकि मुस्लिम समाज की महिलाएं और लड़कियां मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रही हैं और इन कट्टरपंथियों को लताड़ भी रही हैं जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। बहुत अच्छा प्रस्ताव है क्योंकि लड़कियों को और ज्यादा शिक्षित होने के लिए टाइम मिल जाएगा थोड़ा। इसलिए सरकार जो भी कर रही है वो अच्छा बेहतर लड़कियों के हिसाब से कर रही है। बहुत अच्छा कहना चाहूंगी, आगे चल के और मदद मिलेगी हमें इस निर्णय में। ये सरकार का एक अच्छा फैसला है क्योंकि जब 18 साल की उम्र में महिलाओं की मतलब लड़की की जब शादी हो जाती है तो फिर उसके अपने लिए कोई मतलब ऐसा, फिर उसके जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी शादी हो जाती थी, घर नहीं समझ पाती थी लड़कियाँ। बहुत बढ़िया करा, जो लड़की शिक्षा नहीं ले पाती थी वो शिक्षा ले पाएंगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर पीएम मोदी के एक फैसले से इतने बिलबिला क्यों रहे हैं, तो इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ शादी की उम्र बढ़ाने का फैसला भर नहीं, इसके कई दूरगामी परिणाम होंगे। सबसे पहला तो ये कि लड़कियां सशक्त होंगी, मानसिक और शारीरिक रूप से ज्यादा समझदार होंगी जिससे कि वो फैसले भी सोच समझ कर ले सकेंगी। पढ़ने के लिए और ज्यादा समय मिलेगा तो शिक्षा की दर भी और बढ़ेगी और शिक्षित लड़की सवाल भी पूछेगी। सबसे बड़ा असर तो लव जिहाद नाम की बीमारी पर भी होगा क्योंकि इसी कच्ची उम्र में लड़कियों को बहला फुसला कर ये जिहादी निकाह करवा लेते हैं और जब तक लड़की को समझ आती है तब तक काफ़ी देर चुकी हो चुकी होती है, तो इस फैसले से लव जिहाद पर भी लगाम लगेगी। दूसरा सबसे बड़ा असर जनसंख्या वृद्धि पर होगा। लड़कियों की देर से शादी होगी तो बच्चे पैदा करने की दर भी धीमी होगी। कट्टरपंथियों का दर्द यही है कि 21 साल तक 3 साल अगर देरी से शादी होगी तो हर महिला के पीछे 3 बच्चे कम पैदा होंगे, क्योंकि ओवैसी के नेता तो खुलकर कह चुके हैं कि ओवैसी को पीएम बनना है तो ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। इसलिए पढ़े लिखे ओवैसी को भी इस अच्छे फैसले पर दर्द हो रहा है। तीसरा सबसे बड़ा असर ये होगा कि अलग अलग धर्मों के विवाह कानून खत्म होंगे जिससे एक यूनिटीफॉर्मिटी आएगी और धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है उस पर लगाम कसेगी। इसे पर्सनल लॉ के नाम पर मुस्लिम लड़कियों के साथ होने वाली ज्यादती पर भी रोक लगेगी। मुस्लिम लड़कियां पढ़ेंगी और 21 साल की उम्र तक आएंगी तो बहुविवाह जैसी कुरीतियों का भी विरोध करेंगी और इस पर भी लगाम लगेगी। उन्हें अपने अच्छे बुरे की समझ होगी। धार्मिक कट्टरता में भी कमी आएगी। तो ये है बड़ी वजह जिसकी वजह से शादी की उम्र 21 की करने का विरोध हो रहा है। मोदी सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज राष्ट्र के नाम।